नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं टॉक विद सुजीत। गोपालगंज बीपीएससी में नियोजित शिक्षकों ने फिर साबित की अपनी काबिलियत। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग में अनेकों नियोजित शिक्षकों का हुआ चयन। टॉक विद सुजीत की तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई। रागनी कुमारी। रागनी कुमारी ने बीपीएससी में पाई सफलता, राजस्व पदाधिकारी के रूप में हुआ चयन। शहर के प्रतिष्ठित ताज मार्बल के कारोबारी राघव जी प्रसाद की है बेटी रागनी। सफलता की ढेर सारी बधाइयां। राजद नेता दिवाकर यादव की पत्नी सीमा यादव को बीपीएससी में मिला 112वीं रैंक। बिहार पुलिस सेवा में बनी डीएसपी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। बैकुंठपुर की नियोजित शिक्षिका मनीषा कुमारी ने बीपीएससी में पाई सफलता, इन्हें डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर में चयनित किया गया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। विद्याभूषण कुमार। फुलवरिया के मजीरवा कला के विद्याभूषण कुमार ने बीपीएससी में पाई सफलता, इन्हें रेवेन्यू ऑफिसर की में हुआ चयन। किसान विष्णु दयाल राम के पुत्र हैं विद्याभूषण, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। गोल्डी कुमारी। कटिया की शिक्षिका गोल्डी कुमारी ने बीपीएससी में पाई सफलता, पंचायती राज पदाधिकारी में गोल्डी कुमारी को चयन किया गया, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अफताब आलम। भोरे के शिक्षक अफताब आलम ने बीपीएससी में पाई सफलता, एसटीएससी कल्याण अधिकारी के रूप में हुआ चयन। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मी पुरवान में शिक्षक थे अफताब आलम, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तबू खातून। माझा के धोबोलिया गांव की तबू खातून को बीपीएससी में 190वां रैंक मिला, इन्हें डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर पद पर चयन हुआ। दो बच्चों की मां बनने के बाद भी जारी रखा पढ़ाई, कड़ी मेहनत में इन्हें मिली सफलता। मोहित राज। गोपालगंज शहर के स्टेशनरी व्यवसायी के पुत्र मोहित राज ने बीपीएससी परीक्षा में पाई सफलता, सीओ पद पर इन्हें चयन किया गया। सरियावार नंबर 5 के निवासी व्यवसायी विनय रंजन गुप्ता व शिक्षिका सीमा देवी के पुत्र हैं मोहित राज। मोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।